प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। इसमें पता करना है फाइंड चार्ज ऑन इस साइड। इस साइड का मतलब होता है कि इस साइड में, 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 इस साइड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। अभी ये प्रॉब्लम थोड़ी टफ कैसे हो गई, क्योंकि इस प्लेट को वायर के द्वारा इस प्लेट से जुड़ा हुआ है। इसमें स्टार्ट करते हैं। सपोज यहाँ पे चार्ज की वैल्यू Q1 है, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। अब इसमें इनिशियली कोई, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है, इसमें क्यों चार्ज है? इनिशियली दोनों में कोई चार्ज नहीं था। अब यहाँ पे ये भी जीरो चार्ज, ये भी जीरो चार्ज। अपन ने दोनों को वायर से जोड़ दिया। अब इस क्यू के कारण इस दोनों का कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहा होगा। इसका कुछ पोटेंशियल V1 होगा, इसका कुछ पोटेंशियल V2 होगा। अब वायर से अपन ने इसको जोड़ दिया दोनों को, दोनों प्लेट को। जैसे कि ये प्लेट नंबर 1 है, प्लेट नंबर 2 है, प्लेट नंबर 3 है। वायर से जोड़ दिया, दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अपन ने ऐसा माना कि इसमें से चार्ज कोई एक्स चला गया और वो चार्ज इसमें चला गया, क्योंकि पहले पोटेंशियल इस चार्ज के कारण इसका और इसका पोटेंशियल अलग नहीं होगा। तो जैसे ही अपन ने, क्योंकि इस चार्ज से ये ए डिस्टेंस पे, ये बी डिस्टेंस पे, तो इसका कुछ पोटेंशियल होगा, इसका कुछ पोटेंशियल होगा। जैसे ही ये शॉर्ट गया इसको कंडक्टिंग वायर से, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों सेम हो जाएंगे। तो पोटेंशियल सेम करने के लिए कुछ चार्ज फ्लो किया होगा। तो अपन मानते हैं कि एक्स चार्ज इस प्लेट से इस प्लेट पे चला गया। ये प्लेट किस तरह की है? ये प्लेट इस तरह की है, ये सरफेस इन साइड में। इसका सरफेस इन साइड में, अपन को खाली इसका आउटर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। जैसे पैरेलल प्लेट होती है कैपेसिटर की, उस तरीके का है। अब इसमें जैसे कि इसमें एक्स चार्ज लगे, तो इसमें टोटल चार्ज कितना रहा? -x। टोटल चार्ज इसमें कितना रहा? -x। इसमें टोटल चार्ज कितना हो गया? x। जैसे इसमें टोटल चार्ज क्यों है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल इसमें चार्ज हो गया -x प्लस x। बाहर ये अर्थ वगैरह नहीं है, तो बाहर से चार्ज नहीं आ सकता। मतलब इसका और इसका मिला के टोटल चार्ज अभी भी जीरो है। पहले भी अनचार्ज था, ये भी अनचार्ज था, टोटल चार्ज जीरो था, अभी भी टोटल जीरो। लेकिन पोटेंशियल को इक्वल करने के लिए कुछ चार्ज इसमें से इसमें चला गया। तो इसमें से चार्ज गया तो -x, जैसे इलेक्ट्रॉन जाता है तो नेगेटिव में चार्ज जाता है, इसके पास पॉजिटिव में चार्ज जाता है। तो चार्ज मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज गया, तो इसके अंदर एक्स आ गया। तो ये टोटल चार्ज अब इनके पास इतना हो गया। अब अपन ने यहाँ पे Q1 माना था। सपोज इस सरफेस पे Q1 है और दोनों मिला के कितना है? -x। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 इस सरफेस पे है, अब -x में से Q1 कटा, इस सरफेस पे इतना चार्ज आ जाएगा। इस सरफेस पे Q3 है और टोटल कितना है? टोटल चार्ज Q है, इसका और इस सरफेस का मिला के Q है। इस सरफेस पे Q3 माना, तो इस सरफेस पे हो जाएगा Q-। इस सरफेस पे Q5 है और Q5 और x को मिलके कितना होना है? Q6। x -Q5। अब देखो इस दोनों को ऐड करेंगे -x आ रहा है, इस दोनों को ऐड करेंगे Q आ रहा है, इस दोनों को ऐड करेंगे x आ रहा है। अपन को टोटल चार्ज पता है, अभी भी x वेरिएबल है, टोटल चार्ज पता है, लेकिन इंडिविजुअल में कितना होगा वो चार्ज पता नहीं। तो
तो इस तरह के प्रॉब्लम को अपन कैसे करें? मैं इसको सॉल्व करने से पहले एक ऐसी प्रॉब्लम लेता हूँ जिसको मैं अलग से डिस्कस करूँगा। वो सिंपल प्रॉब्लम है, जनरली लोग जानते भी है, जिसमें 3 प्लेट्स होती है, जैसे 1, 2, 3 है। इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, इस पे Q3 है। तो इस पे जो इस साइड में ये Q1 है, इस साइड और इस साइड दोनों का मिला के मैं इतनी मोटी सी सरफेस नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं सिंपल सरफेस दिखा रहा हूँ। तो Q1 है, Q2 है, Q3 है। तो इस साइड में जो टोटल आएगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई 2। इस साइड में आएगा सेम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई। अब इस सरफेस पे कितना आएगा? इस पे इतना है तो Q1 माइनस 30, उसके बाद उसका नेगेटिव यहाँ पे, फिर Q2, अब यहाँ पे कुछ चार्ज आ जाएगा Q2 में से। तो इस तरह से अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। तो ये सिंपल तरह की प्रॉब्लम थी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम में एक चीज़ हमेशा कॉमन रहेगी कि जो टोटल चार्ज है आउटसाइड में, इस साइड और इस साइड, वो सेम रहेगा। और वो कितना होगा? टोटल चार्ज 10 प्लस 10 प्लस 30। ये प्रॉब्लम मैं किसी अलग लेक्चर में लूँगा, लेकिन फिलहाल ये प्रॉब्लम के लिए इतनी जानकारी ज़रूरी है कि जब तीनों प्लेट्स अलग है, अब जब ये दोनों आपस में जुड़ी हुई नहीं है, तो इस दोनों के बीच में डिस्टेंस मैटर नहीं करते, क्योंकि ये जो डेराइव हुआ है, ये जैसे कि इतना प्लेट्स है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है। जैसे पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है सभी चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे होगा? जैसे कि इट्स यहाँ पे Q1 मान लिया, Q1 माइनस Q1, इस तरह से Q2, Q2 माइनस Q2, Q3, Q3 माइनस Q3, इस तरह से करेंगे। फिर जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी वजह से पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बाकी सबकी वजह से नेगेटिव होगा। तो इस तरह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो सिग्मा हो जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से अपन को सॉल्व करेंगे तो अपन इस रिजल्ट तक पहुँचेंगे। अपन को फिलहाल ये रिजल्ट पता कर रखने के कि ये हमेशा वैलिड होंगे, ये और ये। तो इस रिजल्ट से अपन को इतना पता चल गया कि इस साइड में जो टोटल चार्ज है, Q1 की वैल्यू पता चल जाएगी। Q1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा? एक्स माइनस Q5। ये जो लॉजिक है वो हमेशा ट्रू रहेगा। इसको मैं डेराइव नहीं करा रहा हूँ टाइम लिमिटेशन के कारण, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा। लेकिन इस फैक्ट को ध्यान रखिए, इस साइड में और इस साइड में हमेशा कितना चार्ज रहेगा? इक्वल रहेगा, और तीनों का जो सम है उसका हाफ। तो इक्वल टू होएगा माइनस एक्स प्लस क्यू प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 क्यू बाई 2। तो अपने पास दो वैल्यू आ गई, Q1 होगा क्यू बाई 2, Q1 हो जाएगा क्यू बाई 2, ये हो जाएगा क्यू बाई। और ये कितना हो जाएगा? ये एक्स माइनस की 5, ये भी टोटल की बाई 2। ये दोनों साइड की बाई 2 होगा। अब एक यहाँ पे दूसरा लॉजिक, इस प्लेट का और इस प्लेट का हमेशा ओपोजिट होगा। इस प्लेट का चार्ज और इस प्लेट का चार्ज ओपोजिट होगा। रीजन बहुत सिंपल है, आप एक गाउसियन सरफेस बनाइए। इसमें ई डॉट डी एस इक्वल टू 0 कीजिए। तो इसमें इस पूरे
पूरे पाथ में, जैसे ई का जितना वैल्यू इस डायरेक्शन में होगा उतना वैल्यू इस डायरेक्शन में नेगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि अपन ई डॉट डी एस अपन चल इस डायरेक्शन में रहे, ये एक क्यूबिकल सरफेस है तो अपन चल इस डायरेक्शन में रहे फिर इस डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है। तो सपोज यहाँ पे जितना भी चार्ज है क्यू, उसका उल्टा माइनस क्यू होगा तभी नेट जीरो हो पाएगा। तो ये इस लॉजिक के कारण से ये हमेशा ट्रू होगा। आप प्लेट को सारों को शॉर्ट कर दो, अर्थ कर दो, कुछ भी कर दो, जैसे इसको मैं सपोज अर्थ कर देता तो भी ये लॉजिक ट्रू रहता। अब देखें इस लॉजिक से अपन को क्या पता चला कि इस साइड में और इस साइड में अपोजिट चार्ज होंगे। तो इस अपन सबसे पहले क्या लॉजिक लगाए कि जो इस साइड में है वो सबके सम का हाफ चार्ज होगा, क्यू बाई टू हो गया, क्यू बाई टू हो गया। यहाँ से क्यू वन माइनस एक्स माइनस क्यू वन था, अब क्यू वन की वैल्यू पता चल गई कि क्यू बाई टू है, क्यू बाई टू यहाँ पे रखा। अब ये पता चला कि ये और ये दोनों अपोजिट होते, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये होगा एक्स प्लस क्यू बाई टू। ये एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स का इन्फ्लुएंस कब आया, जब अपन ने इसको सॉर्ट किया। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम लेके पेशेंस रखें। अब ये हो गया, अब अपन को पता चला कि ये क्यू है, ये दोनों मिला के क्यू होना चाहिए। अगर इस सरफेस पे एक्स है, एक्स प्लस क्यू बाई टू है, तो क्यू में से ये आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू बाई टू माइनस एक्स। अब अपन वापिस जानते हैं गॉस लॉ से कि ये मस्ट है गॉस लॉ सेटिस्फाइड होने के लिए कि इसमें और इसमें एक दूसरे में अपोजिट चार्ज होना जरूरी है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बाई टू प्लस एक्स। अब अपन के सारे वैल्यू पता चल गए, अगर एक्स की वैल्यू अपन को क्यू के टर्म में पता चल जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं एक बार फिर बता देता हूँ लॉजिक क्या लगाया। लॉजिक सिंपल है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ इसमें क्यू वन है, क्यू टू है, क्यू थ्री है, सपोज चार्ज है, उसकी वैल्यू अपन एक वेरिएबल एज्यूम किए ये शॉर्ट करने से कि पोटेंशियल को इक्वल करने के लिए कुछ चार्ज इसमें से इसमें गया होगा, और उसको जाने से ये माइनस एक्स और एक्स चार्ज आए इस पे। सपोज क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री चार्ज है, यहाँ पे क्यू वन की वैल्यू ये है, क्यू टू क्यू थ्री की ये है, तो आउटर सरफेस पे चार्ज की वैल्यू है वो इस दोनों तीनों को ऐड करो और हाफ से डिवाइड कर दो, तो वो वैल्यू कितनी आई, क्यू बाई टू। क्यू बाई टू इधर आ गए, क्यू बाई टू इधर आ गए। अब ये टोटल माइनस एक्स है तो क्यू बाई टू, इस तरह से ये सब्सटीट्यूट करते करते अपन यहाँ तक पहुँचे पहला नंबर वन। तो पहला लॉजिक क्या हो गया, स्टेप वन। चार्ज ऑन आउटर सरफेसेस इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री डिवाइड बाय टू, पहला लॉजिक। इसको आप मेमोराइज कर लो, क्योंकि मैंने जो जिसमें जिसमें ये प्रूव होता है वो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा किसी और लेक्चर में, लेकिन फिलहाल ये आपको ध्यान में रखना है, आप याद भी रख सकते हो। अब आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ तो तीन प्लेट है, चार होगी तो क्या करेंगे, दो होगी तो क्या करेंगे, तो सिंपल है, क्यू वन क्यू टू क्यू एन तक चले जाओ और दो से डिवाइड कर दो। अब ऊपर चार्ज को ऐड करते, जैसे दो चार्ज है तो क्यू वन प्लस क्यू टू डिवाइड बाई टू, तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है फॉर्मूले में। दूसरी बात, पहला काम अपन ये किए, दूसरा काम ये किए, गॉसियन लॉ से अपन एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए। अब ये प्लेट्स है तो गॉसियन सरफेस एक तरह से क्यूब बनेगा, तो ये जीरो हो गया, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस सरफेस पे जो सरफेस इंटीग्रल है ई डॉट डी एस, अब जो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अब ये सरफेस और ये सरफेस तो इसी के अंदर ही रह गई, तो कुल मिला के ये चार्ज और ये चार्ज, ये चार्ज और ये चार्ज, जो भी इनर प्लेट पे ओपोजिट चार्ज होंगे, मतलब जितना इस प्लेट पे चार्ज है उसका ओपोजिट यहाँ पे है। तो ऐसे करते करते अपन ये वाला पता चल गया, इसको देख के ये वाला पता चल गया, ये पता है तो
तो इस दोनों को अपन को पता है कि इस दोनों का एडिशन है वो की होना चाहिए। तो इस तरह से अपन ये पता किया, फिर ये पता चल गया तो ये इसका नेगेटिव होगा। फिर अपन को पता चला कि इस दोनों का जो टोटल सम है वो एक्स होना चाहिए, तो एक्स में से इतना घटाएंगे तो ये वाला आ जाएगा। इतना लॉजिक। स्टेप टू, पोटेंशियल ऑफ वन इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ टू। ये दोनों 100 वाट है, और जब किसी भी दो चीज को चॉट करके करते हैं तो उसका पोटेंशियल सेम हो जाता है। अब अपन को पता करना है कि पोटेंशियल निकालेंगे कैसे, तो बड़ा ही आसान है। अपन पढ़ते हैं कि V इज इक्वल टू ई डी। सिंपल। ई क्या होता है, जैसे कि ये पैरल प्लेट्स है, तो प्लेट के कारण सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डी। यहाँ पे अपन सिग्मा नहीं, क्यू दिया हुआ है, क्यू बाय ए 2 एप्सिलॉन नॉट डी। अब ये टर्म है, इसको अपन को साथ अपन साथ में लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इससे पता चला कि वी प्रोपोर्शनल टू क्यू डी है, ये इम्पोर्टेंट है। जो पोटेंशियल है वो क्यू डी के प्रोपोर्शनल है। अब सबसे पहले वी वन निकालेंगे, पोटेंशियल ऑफ प्लेट वन। अपन को पता करना है कि जो चार्ज है और जो डिस्टेंस है उस प्लेट तक, उसके मल्टीप्लिकेशन करना है। बहुत ही सिंपल है, जैसे पोटेंशियल ऑफ प्लेट वन है, तो वन में पोटेंशियल किसके कारण होगा, इसके कारण और इसके कारण। अब पोटेंशियल के लिए अपन को अलग अलग चार्ज भी ले सकते हैं, 6 में आएगा। आप दोनों अलग अलग चार्ज लो, या टोटल क्यू चार्ज के कारण इस पर पोटेंशियल लो। ध्यान से देखिए, प्लेट वन पे पोटेंशियल इसके कारण से, क्यू चार्ज है कितनी डिस्टेंस पे, क्योंकि ये क्यू डी अपन कहाँ से, यहाँ से कंक्लूड किए, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अपन लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि अपन दोनों को इक्वल करेंगे, वी वन इक्वल टू वी टू, कांस्टेंट चला जाएगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना इसके कारण से, तो ये क्यू है और डिस्टेंस ए है, क्यू है प्लस इस प्लेट के कारण से इस पे पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि इस प्लेट पे जो पोटेंशियल है इसके कारण होगा, इसके कारण, तो इसके कारण क्यू डिस्टेंस, इस पे चार्ज है एक्स और डिस्टेंस है ए प्लस बी, तो एक्स ए प्लस बी हो गया। बहुत सिंपल, ये कांस्टेंट हटाने का ये फायदा हुआ, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया। अब वी टू, यहाँ पे वी टू एक्चुअल में वी थ्री नंबर है, वी थ्री नंबर है, टू प्लेट ये वन है वो थ्री के साथ शॉर्ट है। तो इस तरीके से अब क्या हो जाएगा, थ्री पे पोटेंशियल, जैसे इसके कारण क्यू के कारण कितना हो जाएगा, क्यू कितनी डिस्टेंस पे, बी पे, तो क्यू डी क्या हो जाएगा, क्यू इंटू बी प्लस इसके कारण से इस पे टोटल चार्ज। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, आप इसके और इसके अलग अलग चार्ज के कारण भी निकालोगे तो आंसर सही आएगा, क्योंकि दोनों टोटल एड होके ये चार्ज बनने वाला है। तो ये हो जाएगा प्लस में इस प्लेट पे, यहाँ पे टोटल माइनस एक्स है और ए प्लस बी डिस्टेंस पे है, तो माइनस हो जाएगा माइनस एक्स और ए प्लस बी डिस्टेंस पे। अब अपन को क्या करना है, दोनों का पोटेंशियल इक्वल करना है। इसका मतलब वी वन इक्वल टू वी थ्री, इसका इससे क्या हो गया आगे, क्यू ए प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्यू बी प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू ए प्लस। इस पूरे टर्म को इस साइड ले लीजिए और इसको इस साइड ले लीजिए, तो x ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, इसको लेंगे तो दोनों प्लस की दो टर्म बन जाएगी, और ये q ऑफ b माइनस a, तो इससे x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू q बाई टू b माइनस a अपॉन b प्लस ए, ये वैल्यू आ गई। अब अपन को चार्ज निकालना है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू पुट करेंगे चार चार्ज निकलते आए चले आएंगे। तो अपन को कौन से चार्ज निकालना है, एक तो ये वाला निकालना है, ये वाला भी निकाल सकते हैं, इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव है, ये निकालेंगे तो उसका नेगेटिव ये हो जाएगा,
इसमें पूरा लेबर नहीं करना है, ये निकालेंगे तो इसका अपोजिट कोई भी एक निकाल दो। जैसे कि मैं निकालता हूँ एक्स प्लस की बाई टू, तो जैसे कि एक्स प्लस की बाई टू, एक्स कितना है, की बाई टू बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए, इसमें की बाई टू। अब की बाई टू आप कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए बी प्लस ए प्लस वन। एलसीएम बी प्लस ए बी माइनस ए, और ये हो जाएगा प्लस बी प्लस ए। तो यहाँ से आ जाएगा, इस पे चार्ज होगा टोटल, ये टू भी हो जाएगा, तो बी क्यू अपॉन ए प्लस बी, तो ये इतना चार्ज इस पे आ जाएगा। अब इस पे इतना आया तो उसका नेगेटिव, तो इसका मतलब ये चार्ज होगा इस प्लेट पे, तो इस प्लेट पे चार्ज आ जाएगा बी क्यू अपॉन ए प्लस बी, और इस पे कितना आएगा, माइनस ऑफ बी क्यू अपॉन ए प्लस अब इस पे कितना आएगा, ये देखिए, ये है एक्स माइनस क्यू बाई टू इज इक्वल टू, ये एक्स की वैल्यू है, यहाँ से लिख के एक्स की वैल्यू, तो क्यू बाई टू बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए माइनस क्यू बाई टू। यहाँ से क्यू बाई टू कॉमन ले लीजिए, तो बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए माइनस का वन, एक्स बाई टू, एक्स नहीं है क्यू है, बी प्लस ए बी माइनस ए माइनस ऑफ बी, ए एल सी एम लिया बी प्लस ए, तो बी माइनस ए आ गया। अब नेगेटिव ऑफ बी माइनस ए आएगा, तो माइनस बी माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू क्यू, ये कट जाएगा, ये टू ए माइनस का होगा, टू कट जाएगा ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस सरफेस पे माइनस क्यू ए अपॉन ए प्लस बी, उसका नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू ए अपॉन ए प्लस बी। अब यहाँ पे आप देखिए, इस दोनों को ऐड कीजिए, क्यू कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी टोटल चार्ज क्यू हो जाएगा, इस दोनों को ऐड कीजिए, क्यू बाई टू माइनस बी क्यू अपॉन ए प्लस बी, इस साइड में क्या आ जाएगा, क्यू बाई टू माइनस क्यू ए अपॉन ए प्लस बी। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन को चार चार्ज पता चल गए, तो सिंपल लॉजिक है, दो स्टेप, पहला स्टेप है आउटर सरफेस पे हमेशा ये चार्ज होंगे, दूसरा लॉजिक है वी वन बाई वी थ्री, वैसे एक स्टेप थ्री भी आप लिख सकते हो कि इस सरफेस पे इस सरफेस पे दोनों अपोजिट चार्ज होंगे।